नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। पाकिस्तान में आटे के लिए लोग लड़ रहे हैं। पूरा देश गरीबी भुखमरी से जूझ रहा है। उसने इतना भीख मांग लिया कि अब उसे भीख के लिए भी मना कर दिया गया है। और ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर कितना अत्याचार होता है, लेकिन इन सबके बीच कुछ हिंदू ऐसे हैं जो अपनी मेहनत और कामयाबी के बलबूते पर शोहरत और पैसा दोनों कमा रहे हैं। ऐसे ही कुछ हिंदुओं ने अपनी मेहनत से काफी दौलत कमाई है और आज पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इन अमीर अरबपति हिंदुओं में महिलाएं शामिल हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में हिंदू महिलाएं अपने दम पर शोहरत कमा रही हैं और अरबपति हैं। पहली महिला का नाम है संगीता उर्फ परवीन रिजवी। संगीता का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था। वो पाकिस्तानी फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और निर्देशक है और 1969 से फिल्म उद्योग में काम कर रही है। संगीता को पाकिस्तान में परवीन रिजवी के नाम से जाना जाता है। परवीन ने निकाह, मुट्ठी भर चावल, ये अमन, नाम, मेरा बदनाम जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। संगीता की सालाना कमाई की बात करें तो ये करीब 39 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दूसरी महिला का नाम है रीता ईश्वर। बता दें कि रीता ईश्वर पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है। उनका जन्म 16 मार्च 1981 को हुआ था। रीता एक राजनेता है और 2013 से 2018 तक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सदस्य भी रही हैं। उन्हें पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला राजनेताओं में से एक माना जाता है। उनकी सालाना कमाई करीब 30 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान की इन हिंदू महिलाओं का सबसे अमीर होना अपने आप में बहुत ही अहम बात है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।